जब भी कभी अगर ऐसा दिखाई दे कि भाई मेरे को नौकरी नहीं लग रही है, या मेरा बॉस गुस्सा हो रहा है, मेरा बॉस मेरे को सही मार्गदर्शन नहीं दे रहा है, या मेरे से मेरे को परेशान कर रहा है, तो आप अपने पिता को आपको पूछ लीजिए, अपने उनको आपके लिए कोई चीज़ गिफ्ट ले जाइए, उनको आप खुश कीजिए, आपके बॉस ऑटोमेटिकली खुश हो जाएगा। तो चलिए आदित्य जैन जी, उम्मीद है कि आपको अपनी समस्याओं के समाधान मिल गए होंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। राहुल जैन बड़ौदा से पूछते हैं कि हमारे घर का ईशान कोण कटा है, इससे क्या हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ेगा? राहुल जैन जी, आपने जो अपने मकान का नक्शा भेजा है उसके अंदर ईशान कोण जरूर कटा है। बाकी ईशान कोण कटने के बाद वजूद भी ये आपको दोष नहीं देगा। इसका विशेष कारण ये है क्योंकि आपके जो ईशान कोण कटा है, उत्तर और पूर्व के कोने को ईशान कोण बोलते हैं, जैसे आपने जो इसका कटावा भी है उसके उसमें जो हिस्सा आपका ईशान कोण को पूरा करता है, वो हिस्सा भी किसी और के काम में नहीं आ रहा है। यदि वो कोई किसी और व्यक्ति के काम में आता होता या वहाँ कोई और कोई चीज़ बनी होती तो वो आपका दोष जरूर माना जाता। बाकी इस समय में आपको, क्योंकि वो हिस्सा भी आप ही के कब्जे में है, आपने भले ही वो कटवा कर रखे आपने या कट गया हो, उससे कोई परेशानी नहीं है क्योंकि उस पर अधिकार आज भी आपका है। तो लिहाजा आप बेफिक्र रहिए कि आपको ये कोई दोष देने वाला है, और यदि कोई दोष देने वाला होता तो आपके घर में सारे के सारे बीमार होते, ऐसा कुछ भी नहीं है और ना ही ऐसा होगा। आप इन छोटी छोटी चीज़ों से जो वास्तविक लोग बता देते हैं, इसके लिए घबराइए मत। आप इसका सही समाधान के लिए आप कभी भी मेरे से फोन पे या मेरे को मेल करके आप मालूम कर सकते हैं कि ये इसके लिए क्या है। इसके लिए कोई आपको तोड़फोड़ करने की आवश्यकता नहीं है और ना ही आपको इससे घबराने की जरूरत है। यदि कोई कहता है कि ये गलत है तो उसके लिए सीधा सा आप समझ लीजिए कि जो जिस जगह पे कटावा भी है वहाँ भी अधिकार आप ही का है। तो लिहाजा इसको हम कटावा नहीं मानेंगे, और ये आपका जो ईशान कोण है इसके लिए आप किसी भी परेशान मत होइए। राहुल जैन जी, उम्मीद है कि आप हमारा ये कार्यक्रम देख रहे होंगे, आपको अपने समस्याओं का समाधान मिल गया होगा। तो चलिए, वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सभी प्रकार के आर्टिफिशियल ज्वेलर्स के निर्माता एवं विक्रेता राज आर्टिफिशियल ज्वेलर्स मेरठ। कॉर्पोरेट इंक्वायरी के लिए संपर्क करें सौरभ जैन 09358075521 09319130800। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम वास्तु ज्योतिष सागर में। हमारे साथ मौजूद हैं सर संजय जैन जी। दर्शकों, आपको फिर से बता दूं, अगर आप भी किसी समस्याओं से परेशान हैं तो आप सर संजय जैन जी से संपर्क करने के लिए आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, या मेल कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पर, या लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यूपी के बिजनौर से इसने लता जी का मेल आया है। इनका सवाल है कि दिल में घबराहट रहती है, घर में अकेले मन नहीं लगता और बेचैनी रहती है। इनका डेट ऑफ बर्थ है 6 नवंबर 1947 और टाइमिंग है सुबह 7 बजे। सुनिए लता जी, आपकी उम्र 64 साल है। आपकी कुंडली का अध्ययन करने के बाद ये मालूम हुआ है कि आपकी जो बुध की पोजीशन है वो बहुत बढ़िया नहीं है। लिहाजा आप यदि अपनी लड़की को कोई भी चीज़ गिफ्ट दें, उसको अपने घर बुलाएं और उस या उसके यहाँ जाएं, दोनों ही कंडीशन में आपको लड़की से जो उसकी खुशी होगी उससे आपके ग्रह आपको लाभ देंगे। साथ में आपकी अगर लड़के की वाइफ हो उसको भी आप प्रेम पूर्वक अगर रखेंगे और उनसे कोई झगड़ा या